हेलो एवरीवन, दिस इज शगुफ्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन के भुर्ते की रेसिपी। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले एक बैंगन लेंगे। मैंने करीब 300 ग्राम का एक बैंगन ले लिया है, काफ़ी बड़ा है ये। तो मैंने जिनसे ये बैंगन लिया था ना, उन्होंने कहा था कि इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, तो देखते हैं। अब इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर देना है ताकि इसकी स्किन अच्छी तरह से रिमूव हो सके। हमें अब बैंगन को रोस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर गैस पर मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे रख दिया है और हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो देखिए, अब ये सॉफ्ट होने लगा है। बैंगन के थोड़ा ठंडा होने के बाद अब इसकी स्किन निकाल दें। इस तरह से बैंगन में बीच में कट्स लगाकर आप देख सकते हैं कि कहीं इसमें बीज तो नहीं है। अगर इसमें बीज है तो आप इसे निकाल दीजिए। तो इस बैंगन में तो बिल्कुल भी बीज नहीं है। बस अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब एक बर्तन में मैंने करीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। तेल के गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और सभी खड़े गर्म मसाले डाल दिए हैं। बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। टेस्ट के लिए थोड़ा सा अदरक डाल दें। बस कुछ सेकंड्स फ्राई करेंगे और साथ ही में डाल देंगे चॉप्ड प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्ची। इसे भी साथ में थोड़ी सी देर पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे करीबन 1/2 टीस्पून हल्दी। इसमें मैश्ड बैंगन डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला दें इसे। अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। बस अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे बस लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। साथ ही में अब इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप टमाटर। तो इसे डालने के बाद बस हमें इतना ही कुक करना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पर हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार है।